あ <music> हेलो गाइस आज मैं फिर से एक नए धमाकेदार ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ आज का ड्रामा हिट लव स्टोरी पर आधारित है जहाँ पर आपको बहुत सारी नफरत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रोमांस भी देखने को मिलेगा तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने ऐसी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ऐसी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे ड्रामा और देखने को मिल सके तो कहानी शुरू होती है करण ऐसी जो की एक रिपोर्टर रहता है और वो और वो एक खूंखार माफिया के पीछे पड़ा हुआ होता है ताकि वो उसकी फोटो क्लिक कर सके और रिपोर्टर की दुनिया में नाम बना सके तो वहाँ पर वो खूंखार माफिया एक लड़की को भी किडनैप करके लाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन दिया दिया होती है वेल को समझ में नहीं आ रहा होता है की आखिरकार उन लोगों ने उसे किडनैप क्यूँ किया है उसकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है फिर माफिया लोगो ने उसे किडनेप क्यूँ किया तो दिया उन लोगों से पूछती है की उन लोगों ने उसे किडनेप क्यू किया है पर वो माफिया उसे कोई बात का जवाब नहीं देते उल्टा उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं इधर कारण ये सब देख रहा होता है तो उसे ये सब देखा नहीं जाता और वो दिया की हेल्प करने के लिए बीच में कूद पड़ता है और वो दिया को सेफली वहाँ से बाहर निकालता है और उसे कहता है ये लो मेरा रिपोर्टर वाला आइडेंटिटी कार्ड इसे तुम बाहर दिखाओगी और सबको ये बताओगी की तुम रिपोर्टर हो तो वो लोग तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने देंगे तो दिया कहती अगर मैं इस तरह चली जाऊंगी तो तुम कैसे जाओगे तो करण कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो मैं से निकल जाऊंगा और करण दिया को ये कहकर वहाँ से भगा देता है और वो खुद उस माफिया की फोटो लेने के लिए अंदर चला जाता है आगे दिया सेफली वहाँ से बाहर निकल जाती है आगे वो घर जाती है तो वो उस रिपोर्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जिसने उसकी जान बचाई है पर उसे करण के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेश नहीं मिलती तो बेचारी सैड हो जाती है तो उसी तब करण के जुड़वा भाई शिवा की एंट्री होती है जो की एक ऑफिस में काम करता है लेकिन उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और वो शिवा से कुछ चीज मांग रहे होते हैं पर शिवा उन लोगों को देने से मना कर रहा होता है जिस वजह से वो गुंडे शिवा को जान से मारकर वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी उधर से करण भी गुजर रहा होता है और वो शिवा को देख लेता है तो करण जब वहाँ पहुँचता है तो शिवा की ऑलरेडी हालत बहुत ही खराब होती है तो करण अपने भाई को इस हालत में देख बहुत ही पैनिक करने लगता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगता है है, पर सिवा उसे रोक देता है और कहता है भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब हॉस्पिटल जाकर भी कोई फायदा नहीं तो करण सिवा से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया मुझे बताओ जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो सिवा कहता है भाई इन सब की शुरुआत मुझसे ही हुई थी और आज मुझ पर ही ये सब खत्म हो जाएगा प्लीज मेरे जाने के बाद माँ का ख्याल रखना और सिवा ये कहकर दम तोड़ देता है तो बेचारा करण अपने भाई की मौत पर खूब रोता है आगे करण मैक को कॉल करता है जो की शिवा और करण दोनों का ही बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो शिवा के साथ उसी के में काम भी करता है जब मैं को सिवा की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है आगे सिवा की मोम को भी सिवा के मर्डर के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह से टूट जाती है तो करण अपनी मोम को संभालता है तो, तो सिवा की मोम कहती है जिसने भी मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगी आरोप करण अपनी मोम को रोक देता है और कहता है पुलिस में जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा हमें सिवा के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा मैं खुद अब सिवा के कातिल के बारे में पता लगाऊंगा जिसने भी मेरे भाई के साथ अन्याय किया है मैं उन सब को चुन चुन कर बाहर निकालूंगा और उन्हें सजा दूंगा तो सिवा की मॉम कहती है आखिर का तुम क्या करने वाले हो बेटा तो करण कहता है मैं सिवा की पहचान लूंगा और उन लोगों के बीच सिवा बनकर पता लगाऊंगा की आखिरकार मेरे भाई को किसने मारा तो उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी मैंने ऑलरेडी अपना एक बेटा खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती तो करण कहता है मॉम आप मेरी फिक्र मत कीजिए मैं उन लोगों का पता लगा कर रहूंगा जिसने मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा है और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब कर वेल well, दूसरी तब हमारी हीरोइन दिया जो बहुत ही प्यारी क्यूट और ब्यूटीफुल सी लड़की होती है वेल well, दिया जितनी ही क्यूट और प्यारी होती है वो उतनी ही गुस्सेल भी होती है अगर उसे कोई पंगा लेता है तो वो उसे मजा चखाने के लिए उस हद तक चली जाती है जब तक वो उसे अच्छे से सबक ना सिखा ले वेल well, दिया की लाइफ भी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं होती उसकी लाइफ में भी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न होते हैं वेल well, दिया के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए होते हैं और दिया की एक मासी होती है जो उसके पेरेंट्स और उससे बहुत ही नफरत करती है क्योंकि परी को लगता है कि उसके हक की सारी खुशियाँ उसकी बड़ी बहन को मिली ना कि उसे इसलिए वो अपनी बहन से बहुत ही नफरत करती है और उनके मरने के बाद भी वो उनसे अपनी नफरत कम नहीं करती बल्कि उनके मरने पर वो जश्न मनाती है और ये सब दिया देख लेती है और दिया को पता चल जाता है की उसकी आंटी वैसी नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचा करती थी उसकी आंटी एक नंबर की दुष्ट है और दिया को ये भी लगता है की उसके पेरेंट्स के मौत के पीछे कहीं परी का हाथ तो नहीं वेल दिया के पेरेंट्स के मरने के बाद परम जो की परी का हस्बैंड होता है वो दिया को गोद ले लेता है और उसकी परवरिश करता है और दिया परम को अपने पिता समान मानती है और उनकी खुशी के लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार होती है आगे परम दिया को यूएस से वापस बुला लेता है क्योंकि उसे लगता है कि परी का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है और परी उसे धोखा दे रही है तो दिया एक इवेंट में धमाकेदार एंट्री मारती है जहाँ पर परी को बिजनेस नंबर वन होने का अवार्ड मिल रहा होता है तो यहाँ पर दिया बातों ही बातों में परी की इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती और परी ये सब नोटिस करती है वेल इन दोनों का छत्तीस का आंकड़ा चल रहा होता है वो भी दिया के बचपन से ही ये दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते पर दिया अपने पापा के लिए परी को झेलती है क्योंकि वो अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती क्योंकि उसके पापा परी से बहुत ही प्यार करते हैं इसलिए दिया की पूरी कोशिश रहती है कि वो अपने पापा की शादी शुदा जिंदगी को फिर से सुधार सके और वो अपने पापा और आंटी को फिर से एक कर सके पर परी को अब परम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और ये बात वो परम को पहले ही बता चुकी होती है क्यूँकी परम अब एक कपाई हो गया होता है और वो परी की वो सारी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर सकता जो परी चाहती है इसलिए परी बार बार परम की इसलिए परी बार बार परम की इंसल्ट करती है और उसे बार बार एहसास दिलाती है कि अब वो अपाइज हो गया है और अब वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता इसलिए वो उससे दूर रहे तो बेचारा परम परी की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी बेबसी पर खूब रोता है आगे दिया परी के ऑफिस जाती है ताकि वो अपनी आंटी के सीक्रेट लवर का पता लगा सके की उसकी आंटी किस बंदे के साथ मिलकर उसके पापा को धोखा दे रही है तो उसे ऑफिस ऐसी शिवा के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है की उसकी आंटी आजकल शिवा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है और उन दोनों के बारे में ये भी अफवाह फैली हुई है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो दिया ये बात सुनकर पूरी तरह से से हो जाती है है और वो दोस्त चाहत से कहती है कि मुझे शिवा से मिलना है तो चाहत दिया को बताती है कि शिवा एक हफ्तों से गायब है उसका कुछ भी अता पता नहीं है हम लोग भी उसी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिया को ये बात जानकर थोड़ा अजीब लगता है आगे दिया अपने दोस्त थाना से मिलने के लिए जाती है जो की एक पुलिस ऑफिसर होता है तो थाना दिया को देख बहुत ही खुश होता है और उसे अपने साथ पर भी इनवाइट करता है लेकिन तभी उसे कमिश्नर बुला लेते हैं तो दिया कहती है अब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो हमारा मिलना जुलना रहेगा ही तुम अपना सारा काम आराम से कर लो मैं घर जाती हूँ और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो थाना दिया को हाईलैंड में देख का बहुत ही खुश होता है थाना दिया से बहुत प्यार करता है पर दिया उसे बस अपना एक दोस्त समझती है इधर करण एक कैफे में आता है कॉफी पीने के लिए तो वहाँ पर दिया भी आती है तो इन दोनों की कॉफी मिस हो जाती है तो करण दिया को ही देखता रह जाता है क्यूँकी वो उसकी कॉफी पी रही होती है तो दिया करण को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और दिया को पता चलता है कि उसने करण की कॉफ़ी पी ली है जिस वजह से करण उसे घूर रहा था तो दिया करण से माफी मांगती है और यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी मोड़ी बातचीत होती है आगे दिया कॉफी पीकर बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ औरतें उसे अपने पति की मिस्ट्रेस समझ कर उसे खूब बुरा भला कहते हैं और उसकी खूब इंसल्ट करते हैं तो यहाँ पर दिया उन औरतों को बताती है की कि वो किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं है और ना ही वो किसी के पति को जानती है पर वो औरत उसकी एक बात भी नहीं सुनती उल्टा उसकी खूब इंसल्ट करती और उसके ऊपर जब फेंकने ही वाली होती है कि तभी बीच में करण आ जाता है और वो दिया को उन औरतों से बचा लेता है आगे करण दिया से पूछता है कि ये सब क्या मामला है क्या तुम सच में किसी की मिस्ट्रेस हो तो दिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है उन लोगों को शायद कोई गलत फहमी हो गई है तो करण कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है और करण दिया को बैक कहकर वहाँ से चला जाता है आगे दिया परी की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती तो परी दिया के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो दिया को कहती है मेरे मामले से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा पर दिया पर परी की बातों का कोई असर नहीं होता वो उसकी बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है जब परम को इस बारे में पता चलता है कि दिया परी की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर रही है तो वो दिया को को समझाता है कि वो परी इस तरह डिस्टर्ब ना करे मुझे अच्छा नहीं लगता तो दिया कहती है पापा आप अभी भी परी की इतनी फिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं पर उस औरत को देखिए वो आपकी जरा से भी परवाह नहीं करती उन्हें आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप टेंशन मत लीजिए पापा मैं उस बंदे का पता लगा कर रहूंगी जिसका आंटे के साथ चक्कर चल रहा है मैं आपके घर को बर्बाद होने नहीं दूंगी अगले दिन करण और दिया की मुलाकात फिर से मंदिर में होती है जहाँ पर करण अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने के लिए आया हुआ होता है और दिया अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए पूजा करने के लिए आई हुई होती है तो दोनों यहाँ एक साथ ही पूजा करते हैं और एक साथ ढेर सारी बातें करते हैं तो दिया को यहाँ पर करण की आंखों को देख लगता है की वो इस बंदे को जानती है और ये बंदा वही है जिसने उसकी जान बचाई है तो दिया सीधा करण से पूछ भी लेती है की क्या हम पहले कभी मिले हैं पर करण सीधा सीधा इनकार कर देता है कि हम दोनों कभी भी नहीं मिले हैं हम तो पहली बार कैफे में ही मिले थे तो दिया को लगता है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हो गई है ये बंदा वो नहीं है जिसकी वो तलाश कर रही है आगे करण सिवा बनकर ऑफिस आता है ताकि वो अपने भाई के असली कातिल का पता लगा सके और ये पता लगा सके की उन लोगों ने उसके भाई को आखिरकार क्यूँ मारा तो करण जैसे ही ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात दिया से हो जाती है और दिया को यहाँ पर पता चल जाता है की वो जिस बंदे की इतने दिनों से तलाश कर रही थी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि करण है और ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इंसान ऐसा निकलेगा आगे करण परी के पास जाता है तो परी जैसे ही करण को देखती है उसे देखते ही उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता लेकिन तभी करण परी को बताता है की एक हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरे सर पर काफी चोट लगी थी जिस वजह से मेरी याददाश्त चली गई है मुझे बस अपने बचपन की ही बातें याद है तो परी जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है और वो करण से पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हारी याददाश्त कब वापस आएगी तो करण कहता है मुझे नहीं पता उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि अगर पहले की तरह वो सब कुछ करूँ तो शायद मेरी यादाश्त जल्द से जल्द वापस आ सकती है इधर जब दिया को पता चलता है कि करण की यादाश्त जा चुकी है उसे लगता है कि करण नौटंकी कर रहा है ताकि वो अपने और परी के अफेयर को छुपा सके तो दिया यहाँ पर करण पर भड़कने लगती है तो करण कहता है अगर तुम्हे लगता है की मेरा और परी का चक्कर चल रहा है तो तुम्हारे पास कोई सबूत होगा की हम दोनों का चक्कर चल रहा है तुम बस मुझे वो सबूत दिखा दो मैं भी मान लूंगा की मेरा और परी का चक्कर चल रहा है जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत न हो तब तक तुम मुझ पर कोई भी घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो दिया को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे पता है तुम याद खोने की एक्टिंग कर रहे हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ मैं ये साबित करके रहूंगी की तुम नाटक कर रहे हो इधर करण मैक के साथ मिलकर शिवा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है की आखिरकार शिवा की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था जो उसके साथ ये सब हो गया क्या उसका और परी का चक्कर सच में चल रहा था और वो लोग इसी सब के बारे में पता लगाने के लिए शिवा के फोन को चेक करते हैं तो उन्हें दो नंबर पर डाउट होता है एक नंबर का नाम मिस्टर मैकेनिक के नाम से सेव रहता है और दूसरे नंबर का नाम किसी भी नाम से सेव नहीं रहता पर उस नंबर से कॉल शिवा को तब आया हुआ होता है जब शिवा की मौत हुई होती है तो करण उस नंबर पर कॉल करता है तो वो फोन एक लड़की उठाती है तो करण उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि और की नर्स होती है तो यहाँ पर करण शिवा की एक्टिंग करने लगता है और वो उसे बताता है उसकी याददाश्त चली गई है और उस रात उसके साथ क्या हुआ है वो बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहा है इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उस रात तुमने मुझे कॉल क्यों किया था तो वान कहती है मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था बल्कि तुमने मुझे कॉल किया था लेकिन मैं तभी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई इसलिए मैंने तुम्हें रिटर्न किया था इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पर भी करण को सिवा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और बेचारे को निराश होकर वापस जाना पड़ता है दूसरी तरफ परी भी एक डिटेक्टिव हायर करती है ताकि वो ये पता लगा सके की आखिरकार सिवा पर किसने हमला करवाया था और उसे कौन जान से मारना चाहता है पर उसे भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पर परी इतने में ही खुश रहती है कि सिवा वापस आ गया है और उसे कुछ भी नहीं हुआ अगले दिन परी बहुत सच ध धज कर ऑफिस जाती है तो दिया समझ जाती है कि परी ये सारा कारनामा शिवा को रिझाने के लिए कर रही है ताकि वो उस पर डोरे डाल सके तो दिया अपने पापा को भी ऑफिस लेकर जाती है ताकि उसके पापा बाहर जा सके और उनका माइंड फ्रेश हो सके तो परम जाना तो नहीं चाहता पर दिया उसे जबरदस्ती ऑफिस लेकर जाती है दूसरी तरफ परी शिवा को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे पास्ट की बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है पर शिवा को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो असली शिवा होता ही नहीं तो परी यहाँ पर अपने हुस्न का जादू शिवा पर चलाने लगती है और उसे ड्यूस करने की कोशिश करने लगती है तो बेचारा शिवा बहुत ही परेशान हो जाता है कि वो इस औरत से अपना पीछा कैसे छुड़वाए कि तभी उधर से दिया और पड़म भी आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो शिवा तो कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ काम के सिलसिले से आया था और सिवा ये कहकर वहाँ से चला जाता है आगे पड़म परी की ऐसी हरकतों को देख कर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो परी से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि क्या वो सच में शिवा को पसंद करती है तो परी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ अगर मैं उसे पसंद भी करती होंगी तो तुम क्या ही कर लोगे और यहाँ पर परी परम को अपने बातों के जाल में इस तरह घुमाती है कि परम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि परी सच में शिवा को पसंद करती भी है या नहीं आगे दिया भी शिवा के पास जाती है और जाकर उस पर भड़कने लगती और कहती है तुम यहाँ पर यादाश्त खोने की एक्टिंग कर रहे हो ना ताकि तुम दोनों अपने रिश्ते को छुपा सको तो शिवा कहता है मैं कोई भी एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर मेरी याददाश्त सच में चली गई है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ और डॉक्टर तुम्हें खुद बताएंगे की मेरी यादाश्त चली गई है तो दिया को फिर भी शिवा की बातों पर यकीन नहीं होता और दिया शिवा और परी के रिश्ते की सच्चाई पता लगाने के लिए परी के ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है और वो परी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है ताकि परी उसे अपने ऑफिस में जगह दे दे तो परी को दिया का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और उसे पता होता है की दिया उसके सामने मीठी छुरी बन रही है लेकिन वो पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही है आगे करण और मैक को पता चलता है की उस दिन पहले सिवा ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था और वो बहुत ही परेशान था तो उन दोनों को इस बात पर शक होता है और उन्हें लगता है कि शिवा कुछ ना कुछ जरूर ऐसा जानता था जिस वजह से उन लोगों ने उसे मारा है तो वो लोग इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो मैक जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात शिवा अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा कर रहा था जो शिवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो सीधा शिवा के ऑफिस जाता है और कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन निकालने ही वाला होता है की तभी वहाँ पर चाहत आ जाती है और वो मैक को कहती है की तुम शिवा के कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हो तो यहाँ पर मैग बहाना बनाने लगता है की शिवा के कंप्यूटर में कुछ वायरस घुस गया है वो उसी को ठीक करने के लिए जा रहा है पर चाहत को मैक पर शक हो जाता है और वो उसे जाने नहीं देती की तभी वहाँ पर दिया भी आ जाता आती है और वो मैक को सिवा का कंप्यूटर ले जाने नहीं देती और कहती है अगर इस कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो मैं इसे ठीक कर लूंगी और आज के बाद इस कंप्यूटर को मैं यूज करूंगी तो मैक कहता है ये तो सिवा का कंप्यूटर है तुम क्यों यूज करो तो दिया कहती है क्यूँ मैं ऐसा क्यूँ नहीं कर सकती ये ऑफिस मेरा और यहाँ का हर सामान मेरा है तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी और मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है की जैसे सिवा के कंप्यूटर में कुछ ऐसा है जो तुम छुपाना चाहते हो तो मैक कहता है तुम क्या बात कर रही हो मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं तो बस इसका वायरस निकालने के लिए जा रहा था चाहत कहती है तुम इसकी फिक्र मत करो मैं इसे निकाल लूंगी और चाहत और दिया सिवा का कंप्यूटर लेकर वहाँ से चले जाते हैं आगे दिया को लगता है कि सिवा के कंप्यूटर में कुछ ऐसा है जो वो सबसे छुपाना चाहता है इसलिए वो उसके कंप्यूटर को चेक करती है पर वो सिवा का पासवर्ड ही नहीं खोल पाती जिस वजह से उसे सिवा के किसी भी फाइल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और बेचारी परेशान हो जाती है उसी तो तब परिशवा को अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और वहाँ जाकर उससे प्यार भरी बातें करती है और उसे पास्ट के बारे में कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है पर सिवा को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो सिवा नहीं होता और ये बात परी को नहीं पता होती कि तभी सिवा को मैक का कॉल आता है और मैक उसे बताता है कि दिया ने उसके भाई के कंप्यूटर पर कब्जा कर लिया है जिस वजह से अब वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता तो करण को दिया पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके काम में टांग अड़ा रही होती है तो करण परी को कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मुझे ऑफिस वापस जाना होगा तो बेचारी परी का ये बात सुनकर मुँह लटक जाता है और वो कहती है ठीक है तुम जाओ मुझे कुछ काम है मैं बाद में आऊंगी आगे करण ऑफिस जाता है और वो दिया को कहता है की मेरा कंप्यूटर मुझे वापस करो पर दिया देने से मना कर देती है उल्टा वो करण पर ही शक करने लगती है कि उसके कंप्यूटर में कुछ ऐसा है जो वो सबसे छुपाना चाहता है तो करण कहता है तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तो लगता है तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहती हो क्यूँकी तुम्हें लगता है की मेरा और परी का चक्कर चल रहा है मैं तुम्हें कितनी बार कू की हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा और अगर कुछ चल भी रहा है तो प्रूफ करो ना लेकिन इस तरह मेरे रास्ते में आकर मेरा काम मत बिगाड़ो तो दिया कहती है मैं तो करूंगी ही क्यूँकी मुझे पता है की तुम कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हो तभी दिया देखती है की परी उधर से आ रही है तो दिया परी को जलाने के लिए करण के करीब चली जाती है है तो वहाँ पर पढ़ी आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है आगे पढ़ी उन दोनों से पूछती है की क्या बात है तो करण उसे पूरी बात बता देता है तो पढ़ी कहती है अगर तुम करण का कंप्यूटर चाहती हो तो रख लो मैं करण के लिए दूसरा मंगवा देती हूँ और पढ़ी ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो बेचारा करण और मैके सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब वो कैसे पता लगाएंगे कि सिवा इस कंप्यूटर में क्या छुपा रहा है दिया के यूएस ऐसी वापस आने की खुशी में उसके घर में एक पार्टी होती है और दिया ये पार्टी जान रखती है ताकि वो सबको दिखा सके पापा और उसकी आंटी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है और कोई भी उन दोनों के बीच नहीं आ सकता जब करण और मैक को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये सुनहरा मौका है उन लोगों का शिवा के कंप्यूटर तक पहुंचने का क्योंकि आज पूरी ऑफिस खाली होगी और ऑफिस में कोई भी नहीं होगा और यही मौका होगा शिवा के कंप्यूटर को खोल उसके फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का और वो लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं की आज रात वो लोग ऑफिस में आकर शिवा के कंप्यूटर ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही रहेंगे इधर दिया को पता चल जाता है की परी को बहुत ही जलन होती है जब उसे और शिवा को एक साथ देखती है तो दिया इस मौके का फायदा उठाती है और वो शिवा को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि क्या सच में इन दोनों का अफेयर है तो दिया दो घंटों तक करण को अपनी गाड़ी में घुमाती है और उसे लगता है कि इन दो घंटों में बड़ी जलैस होकर करण को जरूर कॉल करेगी लेकिन तभी करण उसे बताता है की वो अपना फोन तो ऑफिस में ही भूल आया है तो वो उसे कैसे कॉल करेगी तो दिया का ये प्लान भी चौपट हो जाता है और वो करण को सबक सिखाने के लिए उसे धोखे ऐसी अपनी गाड़ी ऐसी नीचे उतार देती है और बीच सड़क पर ही उसे छोड़ कर वहाँ भाग जाती है तो करण को दिया की ऐसी हरकत आरोप बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा उसके प्लान को खराब करने के लिए बीच में आ जाती है दूसरी तब परी बहुत ही पगड़ा रही होती है क्योंकि उसे शिवा का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है की आखिरकार दिया और शिवा के बीच क्या चल रहा है आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो दिया बहुत ही अच्छे से रेडी होकर अपनी फैमिली के साथ पार्टी में आती है तो करण भी उस पार्टी में अच्छे से रेडी होकर आता है और करण दिया को उसके किए की सजा भी देता है और आगे सिवा दिया को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है पर दिया जाने से मना कर देती है तो सिवा कहता है तुम अपनी आंटी का पीछा छुड़वाना चाहती हो रहा मुझसे तो चुपचाप मेरे साथ चलो तो दिया सिवा की बात मान लेती है और उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया अब मेरी आंटी का पीछा छोड़ दोगे ना तो सिवा इस बात पर दिया को टीस करने लगता है दूसरी तरफ मई परी को बताती है की सिवा जबरदस्ती दिया को अपने साथ लेकर गया है और वो दोनों बहुत ही करीब थे ये बात जानकर तो परी का खून खोलने लगता है और वो सिवा को कॉल करने लगती है पर सिवा उस उसका फोन जानकर नहीं उठाता तो परी को और गुस्सा आता है तो परी उसके बाद दिया को कॉल करती है तो दिया परी का फोन उठा लेती है और परी को जलाने के लिए उसे ये कहती है कि वो अभी शिवा के साथ है और वो दोनों मिलकर एक साइड पर जा रहे हैं और यहाँ पर दिया परी और शिवा के बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करती है जिसे देख कर परी को और गुस्सा आता है और वो कहती है तुम लोग साइड पर जा रहे हो ना तो मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ तुम लोग वहीं पर रहकर मेरा इंतजार करना तो दिया कहती है ठीक है आंटी आप ही आ जाइए और यहाँ पर दिया अपनी आंटी को जान जानकर खूब चिढ़ाती है है, तो बेचारी परी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों को एक साथ देख इसलिए वो भी जल्दी से निकल जाती है उन लोगों की तरफ दूसरी तरफ शिवा दिया का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुमने ये जान बुझ कर किया ना तो दिया कहती है वैसे भी तुमने कहा ही है की तुम परी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगे अगर मैंने ऐसा क्या ही दिया तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो गई तो शिवा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दिया को लेकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर शिवा दिया के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और उसे जबरदस्ती भी किस करता है तो दिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो सिवा कहते हैं तुमने ही तो कहा था कि, कि तुम अपनी आंटी का मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती हो तो फिर ये सब करने में क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पर इन दोनों में घमासान युद्ध होता है जिस चक्कर में ये लोग किचड़ से भी खेल जाते हैं आगे वो दोनों इसी तरह किचड़ में सने हुए होटल जाते हैं तो यहाँ पर दिया दो रूम लेती है पर सिवा उसे दो रूम लेने नहीं देता और कहता है तुम अपना डील भूल गई क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था की कि अगर मैं तुम्हारी आंटी का पीछा छोड़ दूंगा तो तुम वो करोगी जो मैं कहूँगी दिया कहती है ठीक है तुम्हें एक ही रूम में रहना है ना तो चलो एक ही रूम लेते हैं आगे वो लोग रूम में जाते हैं तो सिवा कहता है पहले मैं चेंज करके आता हूँ फिर उसके बाद तुम चेंज करने के लिए जाना और सिवा चेंज करके बाहर आता है और दिया चेंज करने के लिए जाती है तो बाथरूम से बहुत ही अजीब अजीब आवाज आती है तो सिवा बाथरूम के पास जाता है और उसे पूछता है की क्या बात है तो दिया उसे बताती है की वो शैंपू का ढक्कन खोल रही थी पर उससे नहीं खुल रहा था की तभी सिवा देखता है की दिया के हाथ में काफी चोट लग गई है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है तो दिया सिवा का ऐसे बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है और वो सिवा को कहती है मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे जब भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा सोचती हूँ तभी तुम कुछ ऐसा कर देते हो कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे तो सिवा कहता है तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है बस अपने दिमाग में ये ठान लो की मैं एक बुरा इंसान हूँ आगे सिवा दिया के बाल धोता है और दिया को बताता है की उसने लाइफ में सिर्फ दो ही लड़कियों के बाल धोए हैं तो दिया को लगता है की सिवा पड़ी की बातें कर रहा है लेकिन तभी सिवा उसे बताता है पहले उसकी मॉम थी और दूसरी वो तो दिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है आगे सिवा दिया को कहता है है। अगर हम दोनों इस तरह नहीं मिले होते और हमारे बीच इतनी सारी गलत फहमिया ना होती और ना ही हमारे बीच पड़ी होती तो क्या हम दोनों कभी एक हो सकते थे तो दिया ये सारी बातें सुनकर सिवा की आंखों में देखते ही रह जाती है क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और इसी चक्कर में ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी दिया के पापा का फोन आ जाता है और दिया अपने पापा से बात करने के लिए चली जाती है जब सिया दिया के पापा की आवाज़ फोन पर सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि उस दिन जिस इंसान से उसने बात की थी वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दिया के पापा है और दिया के पापा ने ही उसके भाई को जान से मारा है ये बात जानकर तो शिवा के पैरों तले जमीनी खिसक जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है पर दिया उसे रोकती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और दिया जाकर शिवा को जबरदस्ती किस कर लेती है तो शिवा दिया का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है तो दिया कहती है तुम तो मुझे इस होटल के कमरे में यही सब करने के लिए लाए हो ना तो मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ ले। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी आंटी परी का पीछा छोड़ना होगा और यहाँ पर दिया अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने रख देती है तो सिवा दिया की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है और वो दिया को कपड़े पहनाता है और कहता है तुम्हारी ये सारी हरकत मेरे सामने काम नहीं करेगी क्यूँकी तुम्हारे बस की बात ही नहीं है क्यूँकी जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकती तो दिया कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर तुम्हारे साथ आई तो तुम आंटी का पीछा छोड़ दोगे तो सिवा कहता है मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता और सिवा वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो दिया को जाकर टाइट हक करता है और कहता है शायद ये हमारा आखिरी बार है इसलिए मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ तो दिया भी सिवा को अच्छे से हक कर लेती है और यहाँ पर शिवा दिया को हक करके वहाँ से चला जाता है इधर मई जोंग को बताती है की परी होटल गई है और अभी वो रास्ते में अकेली है तो यही सबसे अच्छा मौका है परी को अपने रास्ते से हटाने का तो जोंग जैसे ये बात सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी प्लानिंग करने लगता है परी को मारने के लिए दूसरी तरफ परी रास्ते में जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसके पीछे से उसे ठोक देती है जिस वजह से परी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन इस एक्सीडेंट से उसे कुछ भी नहीं होता और उसकी जान बच जाती है आगे परी इस बारे में पता लगाती है की आखिरकार उसके साथ ये सब किसने किया तो थाना के पापा उसे बताते हैं कि ये सब जोंग की प्लानिंग थी तो परी सीधा जोंग को कॉल करती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारने की प्लानिंग करोगे और मैं मर जाऊंगी इस बार भी मैं तुम्हारी प्लानिंग और प्लॉटिंग से बच गई लेकिन याद रखना अगर लाइफ में फिर से तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कि तुम पानी के लिए भी तरसोगे तो जोंग यहाँ पर परी के सामने इनकार करने लगता है कि उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है पर परी को पूरा पता होता है कि ये सारा कारनामा जोंग का ही है इधर मई को जब पता चलता है की परी जिंदा है ये बात जानकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं और वो जोंग को कहते मैंने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया था परी को मारने के लिए पर तुमने इस मौके को भी गवा दिया अगर उसे पता चल गया कि इन सारे कारनामे में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वो तो मेरी चटनी ही बना देगी अब हम क्या करें तो जोंग कहता है शांत हो जाओ इस बार बच गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार बचती रहेगी दूसरी तब थाना दिया से मिलने के लिए जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो परी की लाइफ में पढ़ अपनी लाइफ को बर्बाद ना करे ये उसके और उसके पापा का मामला है और वो दोनों शादी शुदा है तो वो लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सुलझा ले इसलिए उसे इन सबके बीच में पढ़कर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्यूँकी वो परी ऐसी कभी भी नहीं जीत सकती पर दिया था ना की एक बात भी नहीं सुनती क्यूँकी वो अपने पापा को तकलीफ में नहीं देख सकती इसलिए वो उनके लिए कुछ भी करेगी क्यूँकी वो अपने पापा को इस तरह अपने प्यार के लिए दर्द में बिलखता हुआ नहीं देख सकती दूसरी तरफ अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए सीधा परम के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने इस क्लिप की वजह से मेरे साथ बहुत बुरा किया है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इसी तरह बचते रहोगे अब मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है कि तुम ही इन सारे कारनामों के पीछे हो तुमने इस क्लिप की वजह से बहुत सारे गुनाह किए हैं अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी तो परम यहाँ पर शिवा को ये बताता है कि भले ही वो इस क्लिप के पीछे था लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश नहीं की बल्कि इन सब के पीछे कोई और बंदा है जो इस गेम का मास्टर माइंड है तो शिवा उस बंदे का नाम पूछता है पर परम बताने से मना कर देता है और कहता है जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा तब तक मैं तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं बताऊंगा तो बेचारे शिवा को मायूस होकर वहाँ से जाना पड़ता है कि तभी वहाँ पर परी भी शिवा को देख लेती है और वो शिवा से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो शिवा यहाँ पर बहाना बनाकर चला जाता है आगे वो लोग जब परम की ऐसी हालत देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह से सॉक्ट हो जाते हैं और परम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्यूँकी परम की तबीयत बहुत ही खराब हो गई होती है आगे डॉक्टर परम का इलाज करते हैं और उन लोगों को बताते हैं की परम की हालत बहुत ही खराब है जिस वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके बाद शायद परम कोमा में चला जाए जब परी और दिया ये बात हैं। वो लोग तो पूरी तरह से शौक हो जाते हैं आगे बड़ी दिया को बताती है कि आज उसके पापा की जो भी हालत है वो सब शिवा की वजह से है शिवा नहीं उसके पापा की ये हालत की है और यहाँ पर, पर दिया के दिल में शिवा को लेकर ढेर सारी नफरत भरती है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर शिवा उसके पापा से मिलने नहीं आया हुआ होता तो आज उसके पापा की ऐसी हालत नहीं होती तो दिया गुस्से से शिवा के पास जाती है और उस पर बंदूक तान देती है और कहती है तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा कोमा में चले गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा की ऐसी हालत है मैं मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तो सिवा ये बात सुनकर पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है क्योंकि उसने तो परम के साथ कुछ भी नहीं किया तो फिर उसकी तबियत अचानक कैसे खराब हो गई और यहाँ पर सिवा दिया को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने उसके पापा के साथ कुछ भी नहीं किया पर दिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन सही टाइम पर थाना आ जाता है और वो दिया को समझा बुझाकर वहाँ से लेकर चला जाता है आगे थाना दिया से पूछता है कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो क्या तुम सिवा पर गोली चला देती तो दिया कहती मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती पर मुझे इतना पता है कि मैं उसे मार नहीं सकती क्योंकि मैं अब उससे प्यार करने लगी हूं। पता नहीं क्यों अब मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी है पर मैं अपनी फीलिंग्स को रोक दूंगी क्योंकि मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती जिसने मेरे पापा के साथ ऐसा किया हो तो थाना जैसे ये जानता है की दिया शिवा से प्यार करने लगी है ये बात जानकर तो उसके दिल के सौ टुकड़े हो जाते हैं इधर शिवा भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और शिवा को भी पता चल जाता है की दिया उससे प्यार करने लगी है जंग डेचा को कहता है की यही हमारे पास असली मौका है की कंपनी पर कब्जा करने का इसलिए हमें प्लानिंग करनी होगी की हम परी को उस कंपनी से हटाकर खुद उस कंपनी पर कब्जा कर सके दूसरी तब दिया ईमेल पर सिवा से बात करती है तो सिवा इस बार डिसाइड कर लेता है कि वो दिया को अपनी पूरी सच्चाई बता दे और वो दिया को मिलने के लिए भी बुलाता है लेकिन तभी दिया के पास थाना आ जाता है और दिया किसी काम से बाहर चली जाती है और वो सिवा का मैसेज नहीं देख पाती लेकिन तभी थाना दिया के फोन पर सिवा का मैसेज देख लेता है तो उसे समझ में नहीं आता की ये स्टीव कौन है तो वो स्टीव की सच्चाई पता लगाने के लिए उसे कल मिलने के लिए बुला लेता है ताकि वो ये पता लगा सके की ये बंदा कौन है जो दिया के पीछे पड़ा हुआ है आगे थाना को शिवा की कुछ हरकतें बहुत ही अजीब लगती है जिस वजह से उसे शिवा पर शक होने लगता है इसलिए वो कंपनी जाकर शिवा के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाता है तो मैं उसे शिवा की इन्फॉर्मेशन दे देता है एडिट करके देता है लेकिन वो उसके भाई के बारे में एडिट करना भूल जाता है आगे जब थाना शिवा के बैकग्राउंड को चेक करता है तो उसे पता चलता है की शिवा का एक छोटा भाई भी है पर उसका कोई भी अता पता नहीं तो वो सीधा शिवा के पास जाता है और उससे पूछता है की तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना तो वो कहाँ पर है तो शिवा यहाँ पर थाना को झूठ बोलता है कि जब वो लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी उसका भाई घर से लड़ाई करके कहीं भाग गया है और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं है इसलिए अगर आपको मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा और यहाँ पर शिवा थाना के सामने इतनी सफाई से झूठ बोल देता है की कि, कि थाना को भी शिवा की बातों पर यकीन हो जाता है आगे थाना उस स्टेप से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है की वो स्टेप कोई और नहीं बल्कि शिवा है ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं दूसरी तरफ शिवा दिया का इंतजार करता रह जाता है पर दिया नहीं आती तो शिवा दिया को ईमेल करता है की तुम कहाँ रह गयी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जब दिया ये मैसेज पढ़ती है तो वो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाती है और वो शिवा को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि आज हम मिलने वाले हैं जब शिवा ये बात जानता है तो वो समझ जाता है कि ये किसी की प्लानिंग है इसलिए अब उसे दिया को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए इधर दिया जब अपना ईमेल शुरू से चेक करती है तो उसे पता चलता है की कल स्टीव से मिलने की उसकी प्लानिंग थी पर ये मैसेज तो उसने किया ही नहीं तो किसने किया होगा तो वो समझ जाती है की ये सारा कारनामा थाना का ही है क्यूँकी कल उसके पास थाना ही था आगे शिवा सीधा दिया के पास जाता है और उसे जाकर बता देता है कि वो मेल वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वो है लेकिन उससे पहले ही दिया को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि थाना ने पहले उसे इस बारे में बता दिया होता है जिस वजह से दिया के दिल में शिवा को लेकर और नफरत बढ़ने लगती है तो बेचारा सिवा चाहकर भी अपनी पहचान दिया के सामने जाहिर नहीं कर पाता और वो उसे कहता है उस हादसे में जिस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई थी वो लड़का कोई और नहीं मेरा भाई करण था उसके जाने के बाद उसकी याद में मैं उसका ईमेल यूज करने लगा जहाँ पर मेरी बात तुमसे हुई तो दिया कहती है तुम्हें तो बड़ा ही मजा आ रहा होगा मेरी फीलिंग्स के साथ खेल कर तो सिवा कहता है तुम मुझे गलत समझ रही मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकता हूँ तो दिया कहती है झूठ बोलना बंद करो तो सिवा कहता है तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है ना तो मैं तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिलवा कर रहूंगा कि मैं तुमसे तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तो दिया उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है आगे थाना दिया से पूछता है कि उसने सिवा से सारी बातें क्लियर की तो दिया थाना को बताती है कि वो ईमेल उसके भाई का है वो बस अपने भाई के याद में उस ईमेल को यूज करता है तो थाना जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है क्योंकि उसने जब सिवा से पूछा था तो सिवा ने उसे साफ साफ बताया था कि वो अपने भाई से कांटेक्ट में ही नहीं है और वो बहुत सालों से, से मिला भी नहीं तो फिर ये कौन सा भाई आ गया और यहाँ पर थाना को सिवा पर शक होने लगता है अगले दिन सिवा दिया को लेकर सीधा परी के पास जाता है और यहाँ जाकर वो परी के सामने सीधा सीधा कह देता है की वो दिया से प्यार करता है इसलिए वो उसकी लाइफ में टांग न अड़ाए जब परी ये बात सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं तो दिया अपनी आंटी से बदला लेने के लिए अपनी आंटी को बहुत ही बुरा भला कहती है और कहती है कि अब आपका प्यार मेरे पास है आपने भी मेरे पापा को इसी दर्द से गुजारा था मेरे पापा आपसे बहुत प्यार करते थे लेकिन आपने मेरे पापा को क्या दिया धोखा दुख दर्द अब आप आपको भी पता चलेगा कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान अगर आपसे प्यार ना करे तो आपको कैसा लगता है तो पर ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और वो शिवा को कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और यहाँ पर परी दिया को मारने लगती है तो शिवा परी को रोकता है और कहता है पास्ट में हम दोनों के बीच जो भी था वो अब खत्म हो चुका है अब मैं दिया से प्यार करता हूँ इसलिए हम दोनों के बीच से हट जाओ और शिवा ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर दिया एक और बम फोड़ती है और सिवा को बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो उन दोनों से बदला ले सके जिसने उसके पापा की लाइफ बर्बाद की है तो सिवा ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाता है और इधर परी का पारा इतना हाई हो जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है आगे डॉक्टर परी को बताते हैं कि तुम डिप्रेशन में चली गई हो इसलिए तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से सलाह करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके तो परी कहती है डॉक्टर आपका दिमाग खराब हो गया है मैं क्यों जाऊंगी डिप्रेशन में आप बस मुझे थोड़ी मोड़ी दवाई लिख दी जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो सके तब सब परी डॉक्टर के बताए हुए दवाइयों को खाने लगती है और उसे खाकर उसे रिलैक्स फील होता है पर उन दवाइयों को खाने से उसे बहुत ही अजीब अजीब से सपने भी आते हैं जिसे देख वो पूरी तरह परेशान हो जाती है की आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है आगे चाह दिया ऐसी पूछ ही लेती है की क्या वो सिवा ऐसी प्यार करती है तो दिया उसे बताती है की वो सिवा ऐसी प्यार करती है लेकिन वो प्यार से ज्यादा सिवा ऐसी नफरत भी करती है क्यूँकी सिवा ने उसके पापा के साथ जो भी किया है वो उसे कभी भी नहीं भूल सकती इसलिए अब उसके दिल में सिर्फ सिवा के लिए नफरत है तो चाहत दिया की सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है की भले दिया शिवा ऐसी नफरत करे पर वो उससे बहुत प्यार करने लगी है तो उसे तब शिवा भी मैक के पास जाकर अपना दिल हल्का करता है और कहता है मैं दिया ऐसी बहुत प्यार करता हूँ लेकिन दिया मुझसे नफरत करती है कोई बात नहीं अगर वो मुझसे नफरत ही करती है तो नफरत ही सही लेकिन मैं उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचूंगा आगे थान अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो शिवा के छोटे भाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले कि वो क्या करता है कहाँ रहता है और कैसा दिखता है तो वो ऑफिसर शिवा के भाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर थाना को देते हैं थाना को देता है सिवा और कहता है शिवा और करण दोनों ही एक जैसे दिखते हैं करण एक रिपोर्टर है पर इसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये कहाँ पर है तो थाना जैसे ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और वो दिया को इस बारे में बताता है और कहता है अभी जो हमारे सामने शिवा बनकर रह रहा है पता नहीं वो असली शिवा है या उसका जुड़वा भाई करण है हमें इन दोनों भाइयों की मिस्ट्री को सोल्व करना होगा तभी हम सच्चाई की तह तक पहुँच पाएंगे आगे दिया शिवा की असली सच्चाई पता लगाने के लिए की वो शिवा है या करण इसके लिए वो एक मीटिंग बिठाती है जहाँ आरोप पर वो परी को भी इनवाइट करती है और शिवा को भी इनवाइट करती है और यहाँ पर दिया परी को बता देती है कि शिवा का एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम करण है और ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं तो आंटी क्या आप बता पाएंगी जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो असली शिवा है या करण तो परी जैसे ये बात सुनती है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है इधर शिवा समझ जाता है की उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो वो वहाँ से बहाना बनाकर भागने लगता है की तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है और वो भी शिवा से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है तो शिवा सबको यहाँ पर बताता है की वो शिवा ही है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता लेकिन तभी शिवा के सर में अचानक दर्द होने लगता है और वो चक्कर खाकर वहीं पर नीचे गिर जाता है आगे शिवा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका चेकअप होता है जहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं की शिवा को पहले सर में बहुत गहरी चोट लगी है जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत करण को ये चोट तब लगी होती है जब वो दिया को बचाने के लिए माफियाओं से लड़ा था तभी उसके सर पर ये चोट लगी थी पर शिवा ने इस चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जिस वजह से आज वो चक्कर खाकर गिर गया होता है आगे परी बहुत ही कंफ्यूज रहती है कि उसके सामने जो बंदा लेटा हुआ है वो उसका असली सिवा है या करण है इसलिए परी सिवा को कहती है कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम असली सिवा हो या नहीं तब तक तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे और परी सिवा को अपना हुक्म सुनाकर कर वहाँ ऐसी चली जाती है तो सिवा को भी मजबूरन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है आगे परी अपने डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे परी और करण की पूरी हिस्ट्री पता लगाने को कहती है की उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो असली सिवा है भी या नहीं और परी ये सारा काम झाम करके घर वापस आती है तो उसे याद आता है की जब उसने सिवा के साथ टाइम स्पेंड किया था और वो दोनों साथ थे तभी उसने शिवा के पीठ पर एक निशान देखा था अगर ये निशान इस बंदे के शरीर पर हुआ तो यही शिवा है और परी ये चेक करने के लिए वहाँ पर जाती तो उसे करण के पीठ पर शिवा जैसा ही निशान दिख जाता है तो परी समझ जाती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका ही सिवा है। और परी ये बात कंफर्म करके वहाँ से चली जाती है एक्चुअली ये सब करण का ही प्लान होता है क्यूँकी उसने अपने भाई के जैसे निशान बना लिए होते हैं ताकि कि किसी को भी उसकी पहचान पर शक न हो की वो शिवा नहीं बल्कि करण है आगे परी का बिहेवियर दिन ब दिन बहुत ही अजीब होता जा रहा होता है उसे छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ रहा होता है आगे ऑफिस में कुछ कलीग्स उसके बारे में गोशिप कर रहे होते हैं तो परी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने पर उतर आती है और उन्हें खूब मारती है लेकिन सही टाइम पर सारे ऑफिस वाले आ जाते हैं और दिया भी आ जाती है और वो परी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन इस चक्कर में परी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है आगे फिर से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर परम की नर्स चोर उसकी देखभाल करती है और उसकी सारी मेडिसिन का भी अच्छे से ख्याल रखती है वेल आजकल परी की जो भी हालत हो रही होती है वो सब उसके एंटी दुश्मन पार्टी की वजह से हो रही होती है उसके सारे दुश्मन एक साथ मिलकर उसे पागल करने के लिए उसे गलत मेडिसिन दे रहे होते हैं ताकि परी उस मेडिसिन को खाकर धीरे धीरे पागल हो सके और वो लोग उसे पागल करार करके उसकी सारी कंपनी को हथिया ले और इन सब में चोर भी उसी का साथ दे रही होती है वेल चोर का एक और मोटिव होता है परी के साथ ये सब करने का जो आपको आगे एपिसोड में पता चलेगा इधर थाना बहुत ही परेशान रहता है की वो कैसे पता लगाए की वो बंदा सिवा है या करण तो उसके पापा उसे आइडिया देते हैं की तुम फिंगर से पता लगा सकते हो कि वो बंदा थाना है या करण ये बात जानकर थाना के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं मिलता क्योंकि उसे एक आइडिया मिल गया होता है एक्चुअली थाना के पापा जानबूझकर अपने बेटे के दिमाग में ये आइडिया डालते हैं ताकि वो भी जल्द से जल्द पता लगा सके कि वो बंदा सिवा है या कर आगे थाना दिया के पास जाता है और उसे कहता है की कि वो किसी तरह ऐसी सिवा का फिंगर लेकर आ जाए उससे हम पता लगा सकते हैं की वो बंदा सिवा है या करण तो वो दोनों मिलकर सिवा के ऑफिस जाते हैं ताकि वहाँ ऐसी उन्हें कोई फिंगर मिल सके यहाँ पर भी उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता दूसरी तरफ सिवा को पता चलता है की वो लोग उसकी फिंगर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि वो शिवा है या करण ये बात जानकर तो शिवा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अगर उन लोगों के हाथ उसका फिंगरप्रिंट लग गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो शिवा नहीं बल्कि करण है और अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो वो आज तक जितनी भी प्लानिंग कर रहा था वो सब प्लानिंग धरी की धरी ही रह जाएगी आगे शिवा जाकर दिया को बता देता है की वही करण है तो दिया ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछ अगर तुम करण हो तो शिवा कहाँ पर है तो शिवा इस बात का जवाब नहीं देता तो दिया उसकी सच्चाई सबको बताने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी शिवा उसे बताता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा और वो वही इंसान है जिसने उसकी जान माफियाओं से बचाई थी तो दिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से सॉक्ट हो जाती है और उससे पूछती है की आखिरकार तुम सिवा बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम्हारा क्या मोटिव है तो सिवा यहाँ पर बताता है क्यूँकी तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे भाई को जान से मार डाला इसलिए मैं यहाँ पर सिवा बनकर आया हूँ ताकि मैं अपने भाई के असली गुनेगार तक पहुँच पाऊँ और उसे सजा दिलवा सकू तो दिया को जैसे ये बात पता चलती है कि सिवा की मौत में उसके परिवार वाले इन्वॉल्व हैं ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो इस बात पर यकीन करने से साफ साफ इनकार कर देती है और वो सिवा को कहती है कि वो झूठी कहानी बना रहा है और उसे फिर से बेवकूफ बना रहा है और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे दिया बहुत सोचती है कि क्या सच में उसके परिवार वालों ने सिवा के साथ कुछ किया है पर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और वो दोबारा सिवा से मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं है अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे परिवार से दूर हो जाओ और यहाँ से कहीं चले जाओ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे सबको तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ेगी तो करण कहता है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये पता न कर लूँ की मेरे भाई को किसी ने मारा अगर तुम्हें अपने परिवार पर इतना ही यकीन है तो ये साबित करो कि तुम्हारे परिवार का मेरे भाई के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है तो दिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बकवासों पर बिलीव कर लूंगी जबकि मुझे पता है कि तुमने शुरुआत से अब तक मुझसे सिर्फ झूठ ही कहा है और मेरे साथ मिलकर मेरे भाई के असली कातिल को ढूंढने में, में मेरी हेल्प करो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मुझे झूठा साबित करके दिखाओ तो दिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता आगे सिवा मैक को जाकर बता देता है कि उसने दिया को अपनी पूरी सच्चाई बता दी है तो मैक ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और क्या है, अगर दिया ने तुम्हारी सच्चाई सबको बता दी तो तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा हमारा सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा और हम लोग कभी भी सिवा के असली कातिल तक नहीं पहुँच पाएंगे तो सिवा कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मुझे दिया पर पूरा यकीन है की वो हमारी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगी क्यूँकी दिया अपने परिवार वालों जैसी नहीं है आगे सिवा फिर से दिया के पास जाता है और उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करता है की वो उसे जो भी कह रहा है वो सब सच है और वो दिया के सामने सबूत भी पेश करने की कोशिश करता है पर उसका कोई भी सबूत दिया के शक को कम नहीं कर पाता और बेचारे को मायूसी होना पड़ता है दूसरा तब रेस्टोरेंट में दो बंदे चाहत से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैक आता है और मैक को लगता है कि वो दो बंदे चाहत को छेड़ रहे हैं तो वो हीरो की तरह उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और एक हीरो की तरह चाहत की इज्जत बचाता है लेकिन तभी चाहत उसे बताती है कि ये बंदे उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि उसका नंबर मांग रहे थे ताकि वो उसे अपना बना सके तो मैक जैसे ये बात सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहता है मैं कोई गे नहीं हूँ जो मैं लड़कों के साथ रोमांस आगे वो दो बंदे मैक का पीछा ही नहीं छोड़ते और मैक को अपना बनाने के लिए पागलों की तरह करने लगते हैं तो मैक उन दो बंदों से अपना पीछा छुड़वाने की उन लोगों को ये कह देता है कि वो शादी शुदा है और चाहत उसकी वाइफ है तो उन दोनों बंदों को मैक की इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहते हैं अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो प्रूफ करके दिखाओ तभी हम मानेंगे कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो आगे बेचारा मैक ये साबित करने के लिए कि चाहत उसकी वाइफ है वो उसे किस करने लगता है पर चाहत कतराने लगती है लेकिन बाद में चाहत खुद मैक को किस कर देती है क्यूँकी वो बंदे मैक का पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते हैं वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा इधर वो दोनों जब उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं तो उनके सारे मनसूबे पर पानी फिर जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं वेल इस किस के बाद इन दोनों के बीच भी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के दिल में भी प्यार पनपने लगता है तो उसी तब सिवा फिर से दिया के पास जाता है और उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करता है की वो जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है पर दिया उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती तो शिवा कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर सबको सच्चाई बता दो की तभी वहाँ पर थाना आ जाता है तो शिवा वहाँ से चला जाता है तो थाना यहाँ पर दिया से शिवा का फिंगर प्रिंट मांगता है तो दिया कहती है कि मैं काम में थोड़ा बिजी हो गई थी जिस वजह से मैं उसका फिंगरप्रिंट नहीं ले पाई और यहाँ पर दिया बात को टाल देती है तो थाना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान है होता है क्यूँकी दिया ही वो थी जिसे ये जानने की सबसे ज्यादा तलब थी की वो बंदा सिवा है या करण पर आज वो खुद इस बात को टालने की कोशिश कर रही होती है वही इधर शिवा भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है तो सिवा को पता चल जाता है की दिया को उसकी बात पर यकीन है पर वो ये बात मानना नहीं चाहती कि उसके परिवार ने उसके भाई के साथ कुछ भी बुरा किया है दूसरी तब मई परी के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि दिया उससे इस कंपनी को छीनने की कोशिश कर रही है इसलिए वो उसके सारे काम में टांग अड़ा रही है जब परी के दिमाग में ये सारी बातें घुसती है तो वो पूरी तरह ऐसी पोखला जाता और उसे भी ऐसा लगने लगता है की दिया सच में उससे उसकी कंपनी छीनने की कोशिश कर रही है आगे परी के पापा के लॉयर परी से मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं दिया अब पच्चीस साल की हो गई है और तुम्हारे पापा के विल के अनुसार उनकी सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया के नाम पर होगा और आधा हिस्सा तुम्हारे नाम पर ये बात तुम्हें याद है ना तो परी कहती है ये बात मैं कैसे भूल सकती कि पापा ने मेरे साथ कितना गलत किया था पापा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे देने के बजाय अपनी दूसरी बेटी की बेटी को दिया जिस पर सिर्फ मेरा हक था और मैं इतनी आसानी से दिया को अपना हक लेने नहीं दूंगी तो लॉयर अंकल कहते है तुम्हें भी पता है कि तुम दिया का हक नहीं छीन सकती इसलिए बेकार के ख्याल लाना बंद करो और लॉयर अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं इधर परी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है क्योंकि वो पूरे बिजनेस पर अकेले ही कब्जा करना चाहती है पर उसका आधा हिस्सा दिया के नाम पर होता है और ऊपर से उसका प्यार भी उसके पास नहीं होता तो चोर इसी मौके का फायदा उठाकर परी की फीलिंग्स के साथ खेलती है और उसे अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाती है कि परी को भी चोर की बातें अच्छी लगने लगती है और वो उस पर भी भरोसा करने लगती है आगे परी के दूध में नशे की दवाई मिला देती है ताकि कल परी सुबह न उठ सके और वो इवेंट अटेंड न कर सके अगली सुबह कंपनी की तरफ ऐसी एक इवेंट होता है और इसकी होस्ट परी होती है पर परी सही टाइम आरोप इवेंट आरोप नहीं आती तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं इधर मई भी जान दिया को कहती है की अगर परी आज इवेंट में नहीं आई तो तुम्हें ही इस इवेंट को संभालना होगा वरना हमारी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी तो दिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा आंटी समय पर आ जाएगी तो सिवा परी को कॉल करता है ये रिमाइंड करवाने के लिए कि आज उसे इवेंट में आना है इधर परी बेहोशी की हालत में ही उठती है और तैयार होकर इवेंट की तरफ निकल पड़ती है उसी तरफ सारे लोग इवेंट में परी का इंतजार करते हैं पर परी नहीं आती तो मई दिया को इमोशनली ब्लैकमेल करती है की अगर हमने इस इवेंट में और डिले किया तो हमारी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी इसलिए अब तुम्हें इस इवेंट को संभालना होगा वैसे भी तुम भी इस कंपनी की मालिक हो तो दिया परी की जगह उस इवेंट को बहुत ही अच्छे से संभालती और पंद्रह बच्चों को स्कॉलरशिप भी गिफ्ट करती है इधर परी अच्छे से इवेंट तो पहुंच जाती है पर उसका दिमाग सही ठिकाने पर नहीं रहता क्योंकि उसकी तबीयत सच में बहुत ही खराब रहती है लेकिन वो फिर भी किसी तरह इवेंट में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि दिया उसकी जगह पर भाषण दे रही है और वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है तो परी के दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती है की दिया उससे उसकी कंपनी छीनने की कोशिश कर रही है जिस वजह से परी पूरी तरह पगला जाती है और वो दिया को मारने लगती है तो दिया यहाँ पर आंटी को समझाने की कोशिश करती है की वो उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही पर परी दिया की एक बात भी नहीं सुनती क्यूँकी उसके ऊपर मेडिसिन का असर हुआ रहता है और वो उस मेडिसिन की वजह से पागलों की तरह करती है इधर में उन दोनों को लड़ते देख कर बहुत ही खुश हो रही होती है और उनकी वीडियो भी बना रही होती है आगे सिवा परी को बाहर लेकर जाता है और वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है दिया तुमसे तुम्हारी कंपनी क्यों छीनेगी तुम सही टाइम पर नहीं आई जिस वजह से दिया को ये सब करना पड़ा तो परी फिर भी सिवा की एक बात पर भी यकीन नहीं करती और कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे मेरी कंपनी छीन लोगे बिल्कुल भी नहीं मेरी कंपनी सिर्फ मेरी है और मुझसे मेरी कंपनी कोई नहीं छीन सकता और परी ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे परी घर आती है और अपना सारा गुस्सा चोर पर निकालती है और गुस्सा निकाल कर वहाँ से चले जाती है तो चौपरी की ऐसी हालत देख बहुत ही खुश होती है क्यूँकी वो परी को जो मेडिसिन दे रही होती है वो मेडिसिन धीरे धीरे परी की सेहत को और बिगाड़ रही होती है और उसके दिमाग के साथ भी छेड़खानी कर रही होती है आगे मई दिया को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलवाती है ताकि दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से परी की जगह ले सके और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी दिया को यही सुझाव देते हैं लेकिन दिया उन लोगों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और उन लोगों को बताती है की आज कंपनी जिस जगह पर भी है वो सब मेरी आंटी की वजह से है और मैं अपनी आंटी की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकती क्यूँकी मेरी आंटी जिस तरह इस कंपनी को संभालती है वैसे मैं कभी भी नहीं संभाल सकती इसलिए मुझे इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और दिया उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ ऐसी चली जाती है वेल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तो एक बहाना होता है वो लोग बस दिया की तस्वीर लेना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ताकि वो ये तस्वीर परी को भेज सके ताकि परी को यकीन हो जाए की दिया सच में उसकी कंपनी को हड़पना चाहती है और उसे हटाना चाहती है वेल होता भी यही है जब परी को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से बौखला जाती है और मई भी आग में घी डालने से पीछे नहीं हटती और और वो परी को दिया के खिलाफ और भड़काती है कि दिया सच में उसकी पोजीशन को छीनना चाहती है ये सब जानकर तो परी पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह लेने की और मैं ये सारा करनामा करके बहुत ही खुश होती है अगले दिन परी ऑफिस जाती है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देती है जो भी दिया का साथ देने के लिए उस दिन मीटिंग में आए हुए होते हैं जब दिया को इस बारे में पता चलता है तो वो आंटी को समझाने की कोशिश करती है कि शायद उन्हें गलत फहमी हुई है वो कभी भी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही थी पर परी दिया की एक बात भी नहीं सुन उल्टा उसे सच का आईना दिखाती है कि अगर वो इस खानदान की बेटी नहीं होती तो उसकी कोई भी औकात नहीं होती अगर वो अपने नाम से इस खानदान का नाम हटा ले तो उसे कोई भी नहीं पूछेगा तो दिया को ये सारी बातें खूब चुपती है और वो आंटी को समझाने की कोशिश करती है उसने कभी भी उनकी पोजिसन को छीनने की कोशिश नहीं की और वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है की वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी कंपनी से बाहर ना निकाले पर परी उसकी एक बात भी नहीं सुनती तो दिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो परी से बदतमीजी कर लेती है जिस वजह से परी दिया को खींच एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम सच में चाहती हो ना कि मैं इन सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी से बाहर ना निकालू तो तुम्हें ये कंपनी छोड़नी होगी और अपने और अपने नाम के पीछे इस खानदान का लगा हुआ नाम भी छोड़ना होगा क्या तुम ये कर पाओगी तुमसे ये सब नहीं होगा क्योंकि तुम्हें तो ऐसा आराम की आदत पड़ गई है तो दिया कहती अगर ऐसी बात है तो ठीक है मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है मैं आपकी कंपनी से रिजाइन करती हूँ और अपने नाम के पीछे लगा हुआ इस खानदान का नाम भी हटाती हूँ और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे दिया अपने आपको शांत करने के लिए कुछ देर अकेले रहना चाहती है और वो अपने दोस्त को भी कहती है तो वो लोग उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे देते हैं दूसरी तब परी के सारे दुश्मन पार्टी एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं कि वो लोग अपने प्लान को कामयाब करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द वो लोग परी की कंपनी पर कब्जा भी कर लेंगे दूसरी शिवा को परी का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और वो ये बात मैक से भी शेयर करता है तो मैक भी कहता है मुझे भी आजकल परी का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है पहले तो वो इतना गुस्सा नहीं करती थी जितना अब उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है तो शिवा ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है की तभी उधर से चाहत आती है और सबको बताती है की अभी तक दिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही पता नहीं वो कहाँ चली गई है तो शिवा को भी दिया की फिक्र होने लगती है और वो दिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी फिर से उसे चक्कर आने लगते हैं लेकिन वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करके दिया को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाता है उसे लगता है की दिया अपने पापा ऐसी मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई होगी तो उसे वहाँ पता चलता है की दिया तो यहाँ पर आई ही नहीं की तभी उसे फिर से चक्कर आने लगते है तो शिवा वही पर बैठ जाता है ताकि वो खुद को शांत कर सके लेकिन तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दिया जाती है और वो शिवा को संभालती है तो शिवा उसकी गोदी में ही सर रखकर सो जाता है आगे जब सिवा की नींद खुलती है और वो दिया को अपने सामने देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और वो दिया को अपने घर जाने को कहता है पर दिया जाने से मना कर देती है तो सिवा बहाना बनाने लगता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है और उसके शरीर से भी इसलिए उसे अब फ्रेश हो जाना चाहिए वैसे भी वो अपने घर तो जा नहीं सकती इससे अच्छा होगा की वो उसके घर जाकर ही फ्रेशन अप हो जाए तो दिया सिवा के घर चली जाती है फ्रेशनप होने के लिए वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी दूसरी तरफ लोयर फिर से पढ़ी के घर आता है दिया से मिलने के लिए पर पढ़ी लोयर को दिया से मिलने के लिए नहीं देती उल्टा तो ये बताती है कि दिया को इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने इस खानदान से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं जब वो इस खानदान की बेटी ही नहीं है तो फिर उसे इस जायदाद में हिस्सा कैसे मिल सकता है तो लॉयर परी को बताते हैं कि वो इस खानदान का हिस्सा रहे या ना रहे पर उसे इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा ही वो चाहे या ना चाहे इसलिए जब तुम तैयार हो जाओ इस बिल को सुनने के लिए तो मुझे बता देना और लॉयर ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो लॉयर के जाने के बाद परी फूट फूट कर रोती है आगे परी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी के भी साथ नहीं बांटना चाहती इसलिए वो अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि वो दिया को जान से मार डाले तो थाना के पापा ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा दिया से बहुत प्यार करता है इसलिए थाना के पापा परी से पूछते हैं क्या सच में तुम इस लड़की को जान से मारना चाहती हो तो परी कहती है हाँ तो मैं इस लड़की को जान से मारना चाहती हूँ क्योंकि इस लड़की ने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया है तो इसलिए अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए इसे ठिकाने लगाओ दूसरी तरफ सिवा दिया का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर दिया को बहुत ही अच्छा लगता है और उसका माइंड पूरी तरह से फ्री हो जाता है तो दिया सिवा के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा फील करती है और वो सिवा को थैंक यू भी कहती है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उन दोनों को इस तरह हंस कर बात करते हुए देखता है तो बेचारा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब थाना को पता चल गया होता है कि दिया अब उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगी तो बेचारा घर जाकर सैड सॉन्ग सुनता है ताकि वो अपने दिल को हल्का कर सके कि तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है तो थाना अपने पापा को सारी बातें बता देता है तो उसके पापा उसे संभालते हैं और उसे हिम्मत भी दे ते हैं कि बेटा मायूस मत हो तुम्हारी लाइफ में भी एक ऐसी लड़की जरूर आएगी जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी और यहाँ पर थाना के पापा अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से संभालते हैं दूसरी तरफ शिवा दिया को कह देता है कि क्या हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता दू की मैं शिवा नहीं बल्कि करण हूँ और करण सिर्फ दिया से प्यार करता है और वो सिर्फ दिया का ही साथ चाहता है अगर दिया चाहे तो, तो पहले तो दिया इस रिश्ते के लिए हिचकिचाने लगती है लेकिन बाद में वो शिवा के पास जाती है और कहती है मुझे पास्ट से कोई देना, देना नहीं है और ना ही मुझे अपने फ्यूचर की परवाह है मुझे बस आज में जीना है वो भी तुम्हारे साथ आगे हमारी लाइफ में जो भी हो मैं नहीं जानती लेकिन मैं जिस पल में जी रही हूँ उस पल में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और दिया ये कहकर उसे किस कर लेती है वेल well, फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी को भी धीरे धीरे मंजिल मिलने लगती है दूसरी तरफ थाना के पापा दिया को मारने के लिए शिवा के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो दिया को मारने ही वाले होते है की तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और थाना के पापा का ये प्लान भी फेल हो जाता है और उन्हें उल्टे पैर ही वहाँ ऐसी वापस जाना पड़ता है लेकिन वो नहीं मानते वो दुबारा दिया को मारने के लिए वहाँ पर आते लेकिन फिर से शिवा बीच में आ जाता है और वो थाना के पापा को खूब मारता है लेकिन यहाँ पर शिवा को ये बात पता नहीं चलती कि जो बंदा दिया को मारने के लिए यहाँ पर आया है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि थाना के पापा है आगे वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है तो शिवा और दिया पुलिस को सारी बातें बताते हैं तो यहाँ पर थाना को लगता है की दिया पर जो भी हमला हुआ है वो सब शिवा की वजह से हुआ है शिवा का ही कोई दुश्मन है जो शिवा को यहाँ पर मारने के लिए आया था और बीच में दिया फंस गयी तो शिवा यहाँ पर थाना को ये बात नहीं बताता कि वो बंदा यहाँ पर दिया को ही मारने आया था ना कि उसे आगे सिवा ये बात दिया को बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है तो दिया ये बात जानकर पूरी तरह ऐसी सॉक्ट हो जाती है और वो सिवा से पूछती है कि आखिर का मुझे कौन मारना चाहेगा मेरी किसी से क्या दुश्मनी है और मुझे मारकर उन लोगों को क्या मिलेगा तो सिवा कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो है जो उन लोगो को चाहिए आगे दिया लॉयर अंकल ऐसी मिलती है तो लॉयर अंकल दिया को बताते हैं की उसके दादाजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसके नाम लिखा है और आधा हिस्सा परी के और परी तुम्हें तुम्हारा नहीं देना चाहती इसलिए वो ये बात तुमसे छुपा कर रख रही है तो दिया जैसे ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाती है आगे दिया घर जाती है ताकि वो अपने दादाजी को सलामी दे सके पर परी ऐसा करने नहीं देती और वो यहाँ पर दिया पर भड़कने लगती है और कहती है तुम्हें तो क्या लगता है की मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझती तुम यहाँ पर वापस इसलिए आई हो ताकि तुम मेरी प्रॉपर्टी को हथिया सको लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और परी पागलों की तरह करने लगती है और वो दिया को मारने भी लगती है तो दिया भी परी की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाती है और वो परी को कहती है मुझे भी जाती में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए अगर आपको ये पूरी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप ही पूरी प्रॉपर्टी रख लो लेकिन प्लीज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करो तो परी कहती है क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो दिया कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे सिवा दिया से पूछता है क्या तुम सच में अपनी आधी प्रॉपर्टी परी के नाम करने वाली हो तो दिया कहती आंटी शुरुआत से इस प्रॉपर्टी के लिए ही मुझसे नफरत करती रही है और मैं इस नफरत में और नहीं जलना चाहती इसलिए मैं उनकी प्रॉपर्टी उन्हें सौंप इस झमेले ऐसी दूर रहना चाहती हूँ अगले दिन परी पूरे बोर्ड ऑफ मेम्बर के सामने खुशी खुशी जाती है क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि अब ये पूरी प्रॉपर्टी की वो एक लौती मालकिन है इसलिए वो सारे बोर्ड मेंबर्स को निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने ये कहता है की पड़ी पागल हो गई है और वो इस कंपनी को संभालने लायक नहीं है इसलिए उसे इस कंपनी से इस्तीफा दे देना चाहिए और ये कंपनी उसे सौंप देनी चाहिए जब परी ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह पगला जाती है मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो तुम मेरी कंपनी हथियाना चाहते हो ना लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और पड़ी यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने लगती है तो जो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हुआ होता है वो सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने परी के सारे कारनामे रख देता है जहाँ पर परी पागलों की तरह कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाता है और वो डॉक्टर भी सबके सामने यही गवाही देता है की परी दिमाग से पागल हो गई है उसका दिमाग खराब हो गया है जब परी ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है की ये डॉक्टर भी इन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और ये सारे लोग मिलकर उसे पागल घोषित करके उसे इस कंपनी से बाहर निकालना चाहते है तो परी यहाँ पर अपने हक के लिए सबसे लड़ाई करने लगती है जिस वजह ऐसी वो सारे बोर्ड मेंबर्स की नजरों में और पागल साबित हो जाती है और डॉक्टर परी को पागल घोषित करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बेचारी परी कुछ भी नहीं कर पाती आगे परी घर जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास जो भी लोग हैं वो सब जौक से मिले हुए हैं और वो सब मिलकर उसे पागल करार देना चाहते हैं ताकि वो लोग उसकी कंपनी को हथिया सके पर परी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती वो भी कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही होती है उन लोगों के खिलाफ दूसरी तरफ परी के सारे दुश्मन एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पर चोर कहती है कि अब परी तो पागल हो ही गई है अब हमें उसका भी निपटारा कर ही देना चाहिए उसे भी जान से मार डालना चाहिए पर यहाँ पर डेचा इस बात पर एग्री नहीं करता और कहता है जब तक पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ नहीं आ जाती तब तक हम परी का कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए हमें कुछ दिनों तक शांति रहना होगा इधर दिया को जब परी की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह से सॉक्ट हो जाती है और वो इस बारे में शिवा को बताती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं की तभी शिवा को फिर से चक्कर आने लगते हैं जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है तो दिया उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसे बहुत ही फिक्र हो रही होती है की शिवा को आखिरकार क्या हो गया कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है तो दिया बाहर चेक करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर थाना के पापा आकर फिर से दिया पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सही टाइम पर आ जाता है और वो थाना के पापा को खूब मारता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और थाना के पापा को वहाँ से भागना ही पड़ता है आगे परी थाना के पापा को कॉल करती है और उन्हें ऑर्डर देती है की अब वो दिया को ना मारे क्यूँकी अगर दिया मर गई तो उसकी पूरी कंपनी उसके हाथ से निकल जाएगी तो थाना के पापा परी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है वो ठीक है ना तो परी थाना के पापा को पूरी बात बता देती है और उनसे हेल्प मांगती है अगले दिन पड़ी फिर से ऑफिस जाती है पर वहाँ पर मई उसे ऑफिस के अंदर जाने नहीं देती उल्टा वो पड़ी की खूब इंसल्ट करती है और अपना बदला चुन चुन कर उससे लेती है तो पढ़ी कहती है तुम लोगो को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मेरे ऑफिस जाने मेरे ऑफिस मुझे जाने नहीं दोगे तो ये ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा याद रखना ये ऑफिस मेरा है और पूरी जिंदगी ये ऑफिस मेरा ही रहेगा और पढ़ी ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे जो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपनी साइट करके पढ़ की कंपनी पर कब्जा कर लेता है और वो लोग इसी बात का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉयर अंकल आते हैं और सबको बताते हैं कि ये कंपनी जोंग की नहीं हो सकती क्योंकि इस कंपनी का वारिस अभी भी जिंदा है तो जोंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो ये कंपनी परी की थी पर परी अब पागल हो चुकी है तो इस कंपनी को मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत है तो सारे बोर्ड मेंबर्स ने मुझे चुना है तो ये कंपनी अब मेरी होगी तो लॉयर अंकल कहते है तुम सही कह रहे हो ये कंपनी परी की है लेकिन ये कंपनी पूरी तरह से परी की नहीं है बल्कि इसका आधा हिस्सा ही परी का है और आधा हिस्सा किसी और और का और यहाँ पर लॉयर अंकल परी का एक वीडियो चलाते हैं जहाँ पर परी सबको बताती है कि इस कंपनी की इकलौती मालकिन वो नहीं बल्कि कोई और भी है इसका आधा हिस्सा ही बस उसका है अगर उन लोगों ने उसे हटाकर इस कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश भी की तो उन्हें बस आधा हिस्सा ही मिलेगा क्यूँकी इस कंपनी का आधा हिस्सा किसी और के नाम है जब जोंग और मई ये बात सुनते हैं उनके तो तोते ही उड़ जाते हैं और फाइनली इन लोगों का सपना यही पर चकना हो जाता है आगे लॉयर परी से मिलने के लिए जाते तो परी यहाँ पर लॉयर अंकल से हेल्प मांगती है और कहती है कुछ लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं जो मुझे पागल साबित करने के लिए किसी हद से भी गुजर सकते हैं इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए उन सारे दुश्मनों को पकड़ने में जो मेरी और मेरी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं दूसरी तरफ देचा जोंग को बताता है की परी के पापा की पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दाऊ के नाम पर है हमें दाऊ को अपने रास्ते से हटाना होगा तभी हम उनकी प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर पाएंगे इसलिए देचा धोखे से दिया को हॉस्पिटल बुलाता है ताकि वो उसे यही आरोप मारकर उसका काम तमाम कर सके दिया हॉस्पिटल जाती है कि तभी वहाँ पर देचा दिया को किडनैप कर ले और उसे वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन तब तभी वहाँ पर शिवा भी आ जाता है और उस बंदे से लड़ने लगता है तो वो बंदा उसे भी मारकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन इन समय शिवा दिया की जान बचा लेता है आगे शिवा दिया को कहता है की उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है वो लोग उसके जान के दुश्मन पड़े हुए है इसलिए उसे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए उन लोगों की नजरों से दूर पर दिया जाने का नाम ही नहीं लेती तो शिवा उसे जबरदस्ती अपनी माँ के घर लेकर जाती है क्यूँकी उस जगह के बारे में किसी को भी क्योंकि उस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता तो दिया को आखिरकार शिवा की बात माननी ही पड़ती है आगे जोंग देचा को कहता है हमें किसी भी कीमत पर दिया को मारना ही होगा अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हमारे हाथ से ये प्रॉपर्टी चली जाएगी तो डेचा कहता है तुम फिक्र मत करो हमने इतनी प्लानिंग की है तो उसे भी रास्ते से हटा ही लेंगे